Sammanit Sri Keshavan Ji, Professor Dr. Gajendra Singh Ji, Manya Dibir Singh Ji, Dr. Satish Sharma Ji, Khan Sahib, Arvind Sen Ji, and हमारे सामने बैठे हुए सम्मानित किसान भाइयों और अलग-अलग कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव भाई और बहनों सबको नमस्कार। पहला मैं क्षमा मांगता हूं कि मेरे कारण से आपको इतनी देर बैठना पड़ा, और हमारा काम ही ऐसा है, एक फंक्शन से और एक फंक्शन को जाना पड़ता है। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि यहाँ आप लोग जो बैठे हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आए, किसान भाइयों हैं, इंडस्ट्री बैठा है, यहाँ एकेडमिक बैठे हैं, फार्मर्स लीडर्स बैठे हैं, तो यही एक हमारे देश में बहुत आवश्यक है। हम सब ने हमारे बीच में एक दीवार खड़े किए हैं, उसको तोड़कर हम सबको एकत्रित होकर हमारे देश के कार्य कृषि के लिए नहीं मगर पहले किसानों के लिए काम करने का समय आया है। हम सब जानते हैं और बहुत हमको इसके लिए हमारे मन में प्राइड उठता है कि भारत ने इतना अच्छा किया 50 साल में, सारे दुनिया में एक एग्रीकल्चर सुपर पावर बन गया है, मगर बड़े दुख की बात यह है कि इतना एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होने के बावजूद हमारे किसान खुश नहीं। तो पहली बार ये 4 साल में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हम हमारा मंत्रालय का नाम को बदल देंगे, जो पहले हम कहते थे कृषि मंत्रालय, अब वो कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय बन गया। पहले तो हम जानते थे बहुत सारे कल्याण विभाग मंत्रालय है देश में, पर किसान का कल्याण मंत्रालय कहीं पर भी हमें सुना नहीं। जब से हमारे मंत्रालय का नाम किसान कल्याण बन गया, तब से हमने सोचना शुरू किया, पहली बार किसान का कल्याण का मतलब क्या है। पहली बार जो पार्लियामेंट में एक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्रश्न पूछा हमको, ये किसान कल्याण का अर्थ क्या होता है, तो हम सबको सोचना पड़ा। यहाँ वहां देख कर सोच कर कुछ हमने लिखकर भेज दिया, कोई उत्तर हुआ पार्लियामेंट में। इसका मतलब है कि इतने साल हमने कभी भी नहीं सोचा था कि किसान भी एक कृषि का बहुत प्रमुख अंग है, वो केंद्र बिंदु है, और किस लिए हम इतना काम कर रहे थे, और हमारे वैज्ञानिक, हमारे पॉलिसी मेकर सब किसके लिए काम कर रहे थे। तो अब लगता है कि ये 70 साल हमारा एक ही लक्ष्य था, ये हमारे देश के जो नागरिक है इनका भूख कैसे मिटाई, इनको जो खाने के लिए आवश्यक पदार्थ है कैसे हम पहुंचाए, और इस प्रयोग में किसान एक प्रमुख अंग था और हमने उसको हासिल कर। अब हम जानते हैं कि अब हमारे देश में हमारे नागरिकों के लिए खाने के लिए जितना पदार्थ चाहिए उससे ज्यादा हम पैदावार करते हैं, और ये पैदावार में सबसे बड़ा भूमिका आप लोगों का है। क्या इससे जो काम हमारे किसान भाइयों ने किया हमारे नागरिकों के लिए, क्या देश ने उनके लिए क्या किया है, ये तो मूलभूत प्रश्न है, और ये इसका उत्तर भी हमने ढूंढना शुरू किया जब माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार फरवरी 2016 में कहा कि अब तो हमारा लक्ष्य रहेगा 2022 तक हमारे देश का किसानों का आय हम दोगुनी करने के लिए प्रयास करेंगे। 2022 बहुत प्रमुख है हमारे देश के इतिहास, सबसे बड़ा
इतिहास का एक अंग ये है कि महात्मा गांधी जी का 150th बर्थडे है 2022। महात्मा गांधी जी तो हमारे देश का पिता है, इनको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं। उनका एक ही सपना था 1947 में जब हमारा देश को स्वतंत्रता मिला, उन्होंने कहा ठीक है आज हमको राजकीय दृष्टि से हम इंडिपेंडेंट बन गए, वह आर्थिक दृष्टि से वो इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशन अब शुरू करना है, उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा। और जब तक हर भारतीय नागरिक का आंसू हम नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते भारत स्वतंत्र हो। तो किसान जो है हमारे देश का 50% सक्षम है, इसमें जो कृषि सिला करते हैं और जो इनडायरेक्टली करते हैं दोनों को मिलाने मिलने से हमका 50% हमारा एक आंकड़ा बनता है। ये 2022 के आंकड़े से यही पता चला कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको दारिद्रता से दारिद्रता रेखा के ऊपर आना अभी भी संभव नहीं हुआ है, के नीचे ही बहुत लोग हैं। हम सब पर्टिकुलरली विशेषकर हम इंडस्ट्री जो आए हैं पॉलिसी मेकर्स और सिविल सर्वेंट जो हैं हैरान होना चाहिए कि जिनके पास जमीन है वो कैसे आज भी बोर रहेंगे, जिनके पास कुछ भी नहीं है कोई एसेट नहीं है वो अनएम्प्लॉयमेंट उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रह सकता है, दारिद्रता भी रह सकता है। तो हम समझ पाते हैं कोई किसान के पास ये सब है फिर भी वो क्यों गरीब रहा है। तो ये अब तुम्हारे नया दिशा है देश को कि अब किसान को केंद्रीकृत करके हमारा पॉलिसी को हमारा ज्ञान को उसी ओर हम लेकर जाएंगे। जब किसान एक आदमी के रूप में रंग हो जाता है तो हमारे जितना पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसमें सब परिवर्तन होना शुरू होता है, क्योंकि अब तक हमारा इन्फ्लेशन मैनेजमेंट हो टर्म्स ऑफ ट्रेड हो ये सब वो नागरिक के हित से ही हम उसको मानते। उदाहरण अगर मान लीजिए दिल्ली में आलू का या प्याज का रेट बढ़ गया तो हम इमीडिएटली इंपोर्ट करना शुरू करते थे, इससे कंज्यूमर्स को ठीक होता था मगर किसान को नुकसान। तो इस अब इस नया दिशा में जो वातावरण है इसमें हमने ही सोचना शुरू किया कि किसान का अगर इनकम को बढ़ाना है तो हमको क्या क्या करना चाहिए, हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी मार्केटिंग स्ट्रक्चर इन सब में बहुत बदलाव की आवश्यकता हमने आइडेंटिफाई किया लिया है और इसी दिशा में हमारा काम शुरू। और एक बात मैंने आपको कहना चाहूंगा कि कृषि ऐसा एक क्षेत्र है हमारा खाली हमारे देश का नहीं पूरा दुनिया का आर्थिक व्यवस्था को समाज